Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सबसे पहले तो मैं अर्ज की कामयाब रहेगी और इबला से आम के मुंतजमीन को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने वक्त और हालात की नजाकत और जरूरत को देखते हुए खातिन को यहाँ जमा किया है। मैं आप सब खातिन को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि सर्दी के इस मौसम में घर की तमाम मसरूफियात छोड़कर आप यहाँ जमा हुई हैं। आपका यहाँ जमा होना और हमारा एक अजीब मकसद के तहत है और वो अजीब मकसद ये है कि अगर हम उसमें हमने कोई गफलत बरती तो उसका नतीजा न सिर्फ हमें बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना होगा। मेरी बहनों, जरा उन औरतों को देखिए जो एक महीने से ज्यादा मुद्दत से दिल्ली के शाहीन बाग में रात दिन लड़ने पर बैठी हैं। फिकर की सर्दी और बरसात का मौसम भी उनको वहां से नहीं उठा पाया बल्कि सियासी लोगों की धमकियां भी उनके पाए तकामत में लफ्ज नहीं पैदा कर सकी हैं। शाबाश के इन बच्चियों को घरदारी करने वाली खातिन को दादियों और नानियों को कि वो हिंदुस्तान के बाशिंदों की के वजूद की हकीकी लड़ाई लड़ने में मजबूर हैं। मेरी बहनों, आज आपका इम्तिहान है। अब ये सियासी लड़ाई हमको भी लड़नी है। हम भी हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। अभी तक तो मैं ये समझ रही थी कि हमारे जीवन की औरतों में कोई अवेयरनेस नहीं है, लेकिन माशाल्लाह आज के प्रति इंसान इज्तिमा को देखकर अंदाजा हो गया कि नहीं, हमारे जीवन की खातिन में भी बहुत बेदारी है और वो भी जब वक्त पड़ता है तो अपने घरों से बाहर निकलती है। मेरी बहनों, आज हमें अपने वजूद की लड़ाई लड़नी है। हमें शहर दर शहर अपनी बहनों के चाना बचाना इस वजूद की लड़ाई को लड़ना है। अब ये फैसला आप करेंगे कि आप पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेंगे या फिर स्थान है दफ्तर पर। मेरी बहनों, हमारी गलत से गफलत बहुत बड़े नुकसान और खसारे का बारिश होगी, इसलिए हर काम छोड़ कर घर का एक आराम छोड़ कर हमें इस लड़ाई को लड़ना है। क्योंकि जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे वजूद की लड़ाई है, हमारी आने वाली नस्लों की वजूद की लड़ाई है। जब हमारा वजूद ही नहीं रहेगा तो फिर बताइए कि सिवाय पछतावों के और क्या हमारे हाथ आएगा। न समझोगे तो मिल जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मिल जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तकलीफ होगी दास्तानों में। मेरी प्यारी बहनों, इस मुल्क को अंग्रेजों के शिकंजे से आजाद कराने में हमारे बुजुर्गों ने
200 साल तक कुर्बानी आती है। इस सभी अर्से में लाखों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है, तब जाकर ये आजादी हमें मिली है। और ये धर्म किसी सरजमीन से लड़ी गई है, ये हमारे लिए बड़ी किस्मत की बात है। हम सब सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं जहाँ से आजादी की लड़ाई पैदा हुई थी। बल्कि यहाँ के बुजुर्गों ने इस तरह की ख्याल रखी, मगर अफसोस इस बात का है कि आजादी मिलने के बाद भी हम अपने से आजादी से महरूम हैं। अच्छी सेहत, तालीम, रोजगार और अमन सलामती से हमको महरूम रखा गया है। हमारे साथ 70 साल से सुन भरा है, 70 सालों से हमको आजादी की नेमतों से और उसके सम्राट से दूर रखा जा रहा है। और अब तो हदी हो गई है, जब से हिंदुस्तान पर फिरका परस्तों ने हुकूमत की है और साजिश है, उस वक्त से मुसलसल ये साजिश हो रही है कि मुसलमानों को और बने कुचले हिंदुओं को इस मुल्क से दरबदर कर दिया जाए। और अगर ये इस मुल्क से न निकाले जाए तो उन्हें और देने के हक से महरूम कर दिया जाए, जिंदगी गुजारने के हक से उनको महरूम कर दिया जाए। इसके लिए तरह तरह के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि हुकूमत ने हाल ही में एक मंसूबा तैयार किया है, एक कानून बनाया है जिसका नाम CAA है। इस बिल के जरिए हुकूमत चाहती है कि हमारे मुल्क में जो हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी वगैरह दूसरे मुल्कों से यहाँ आकर बस गए हैं उनको चाहिए दे दी जाए। लेकिन मेरी बहनों, अफसोस इस बात का है कि मुसलमान इस तहरीक में कहीं भी शामिल नहीं है, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि जो मुसलमान गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रहे हैं उनको यहाँ की शहरी दी जाए, वो यहाँ की शहरी बने। जाहिर है कि ये कानून शासन पर मबनी है, जबकि हमारे मुल्क का दस्तूर ये कहता है कि मुल्क के बाशिंदों के दरमियान मजहब और जात के नाम पर कोई तकलीफ न बरती जाए। मेरी बहनों, हुकूमत ने ये कानून बहुत सोच समझ कर तैयार किया है, क्योंकि उसके आगे भी मंसूबे हैं जिसमें एक मंसूबा ये भी है कि मुल्क में NRC नाफिज की जाए। ये भी एक कानून होगा इसकी रूह से यहाँ के हर शहरी को अपने कागजात दिखलाकर ये साबित करना होगा कि वो इस मुल्क का शहरी है या नहीं। अगर कोई ये साबित नहीं कर सकता तो मेरी बहनों, उसको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, जहाँ की जिंदगी मौत से बदतर होगी, उसका घर छीन लिया जाएगा, उसका कारोबार छीन लिया जाएगा, उसका रुख या पैदा से हुकूमत बसर कर लेगी और उसको नंगा भूखा करके इन कैंपों में जिंदगी भर के लिए डाल दिया जाएगा। ये काम खासतौर से मुसलमानों के लिए किया जाएगा, जबकि इन दलितों और शूद्रों के लिए होगा जिनको आला जात के हिंदू पसंद नहीं करते। अगर इन आला जात के हिंदुओं के पास कागजात नहीं भी होंगे तो हुकूमत का ये प्लान है कि इनको शहरियत दे दी जाएगी और मुसलमानों और दलितों को
कागजात के बगैर शहरियत मिलना नामुमकिन है। और अगर किसी के पास कागजात होंगी भी तो अगर उन्हें किसी तरह की इंग्लैंड की कोई गलती होगी तो भी उनके कागजात को रद्द कर दिया जाएगा। एनआरसी से अब एनपीआर की हुकूमत के प्रोग्राम में शामिल है। बजाय ये मजदूर शुमारी है जो हर 10 साल के बाद की जाती है, मगर पिछले जो तबादला पूछे गए हैं उनको एनआरसी में इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए मुल्क के सिकुलर आवाम में जिसमें हमारे बिरादरान वतन भी हमारे साथ शामिल हैं, उन्होंने तय किया है कि इन हुकूमत के इन तीनों लोगों को पूरी ताकत के साथ रिजेक्ट किया जाएगा। आप देख रही होंगी और पढ़ रही होंगी कि इस वक्त पूरा मुल्क का एहतजाज बना हुआ है जिसमें मुल्क की खातिर मर्दों की शाना बशाना हिस्सा ले रही है। आपने सुना होगा हमारी गांव में 3 लाख की रेली मिलती है जिनमें औरतों ने शिरकत की है और एक मस्जिद कायम कर दी है। मेरी बहनों, अगर हुकूमत इसमें कामयाब हो जाती है तो इसमें नस्ल कशी का दरवाजा खोलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें इन बिलों को रोकने की जरूरत है। निर्जानिया मीडिया इस्लामिया डेली के तलबा व तालिबान को शाबाश देती हूँ कि उन्होंने पुलिस की लाठियां खाकर के हम मैदान में डटे हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी काबिले तारीफ हैं कि वो नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ एहतजाज क्यों हुए हैं। शाहीन बाग की खातिर भी हमारी शुक्रिया की मुस्तहिक हैं कि उन्होंने हमें और आप जद्दोजहद की एक नई राह दिखलाई है। और हमें ये अर्ज और हौसला दिया है कि हम भी उनके शाना बशाना चलें और हम सब तक की लड़ाई लड़ते रहे जब तक हुकूमत ही हमारे कानून को वापस कर दे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जलसा पूरे मुल्क की खातिर को मजीद रोशनी बख्शेगा और पूरे मुल्क की खातिर हाथों में तिरंगा झंडा लेकर आजादी और इंकलाब के नारों के साथ सड़कों पर घूमी। खुदा करे हमारी ये तहरीक कामयाब हो और हम जालिम को इसके जुल्म से रोकने में कामयाब हों। इसी बात पर आपकी सलाह से मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम अपने हुकूक की लड़ाई आखिर दम तक करेंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे। हम तो कौन है जो किसी से नहीं डरते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.